अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे जमात चहर्रुम का माहौलियती मुतालिया। आज का हमारा पांचवा और छठा दिन, यानी पांचवी और छठी एक्टिविटी हमारी आज की हम सरगर्मी कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था नक्शे और सिमत किस तरह से पहचानते हैं, इसको हमने पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, इसी की ही मश्क करेंगे। अब तस्वीर में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीर को आपने क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा इसको समझना है, पढ़ना है। आपने वीडियो को स्टॉप करके तस्वीर को गौर से देखना है। इससे पहले आपको पढ़ाया गया था, आपको इस बार सिर्फ मश्क करना है। ऐसे ही आप जब घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, तो आपको जो जो चीज़ें नज़र आती हैं वो आपको बताना है। जहाँ तस्वीर में आपको बताया गया है कि कौन से सिमत में क्या है, ये आपको बताना है। यानी फ़ोटो निकाल के, इसका फ़ोटो निकाल के इसको कॉपी में लिखना है कि शुमाली सिमत क्या है, जुनूबी सिमत क्या है, मशरिकी सिमत क्या है और मगरबी सिमत क्या है। किन सिमतों में क्या है ये आपको लिखकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। यही हमारी आज की एक एक्टिविटी है। इससे आपको पढ़ने की और समझने की सलाहियत पैदा होगी। आपने नक्शे का इस्तेमाल किस तरह से करना है, नक्शा किस तरह से पढ़ते हैं, ये भी आपको सीखना है। इसके अलावा आपके मकान से स्कूल जाते वक्त में आपको जो जो चीज़ें नज़र आती हैं, स्कूल जब हम आते हैं घर से निकलते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हमको नज़र आती हैं, इसको आपने क्या करना है, इसका मुशाहिदा करना है कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपको रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ नज़र आती हैं आपको, दरख्त नज़र आते हैं, पहाड़ नज़र आते हैं, इसके अलावा दुकानें नज़र आती हैं, दरख्त नज़र आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जो जो नज़र आती है उसको आपको क्या करना है, उसका मुशाहिदा करना है। अब मुशाहिदा कैसा करना है कि इसकी दर्जाबंदी होती है किस तरह की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमको नज़र आती हैं जिसे कुदरती कहा जाता है, यानी खुदा ने बनाया हुआ, कुदरती उसको कहते हैं जिसको खुदा ने बनाया, अल्लाह ने जिसको बनाया, जो चीज़ अल्लाह ने बनाया उसको कहा जाता है कुदरती। और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करके इंसान जो चीज़ें बनाता है उसको कहते हैं इंसानी तैयार करदा, यानी मसनूई। अब दो जमातों में इसको दर्जाबंदी करना है, एक तो खुदा ने बनाया हुआ और दूसरा इंसानों ने बनाया हुआ मसनूई। जैसे हमको नज़र आता है नदी, अभी नदी किसने बनाई, नदी जो है कुदरत ने बनाई, कुदरती है। उसके बाद नदी कुदरती है, अब इंसान क्या करता है, कुआं खोदता है। जब कुआं खेत में वगैरह जो लोग हैं उनको मालूम होगा कि कुआं खोदा जाता है ज़मीन के अंदर, इंसान बनाता है इसको। जैसे तालाब, तालाब भी क्या होता है, कुदरती तालाब भी होते हैं और मसनूई तालाब भी होते हैं। यानी कुदरती तौर पर कोई ज़मीन का नशीबी इलाका होता है जहाँ पानी जमा हो जाता है, वो कुदरती तौर पर क्या बनता है, तालाब बनता है। लेकिन कई जगहों पर शहरी जैसे इलाकों में क्या किया जाता है, तालाब बनाया जाता है और वहाँ पर पानी क्या किया जाता है, जमा किया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। अब ये चीज़ों का आपको दर्जाबंदी करना है। जैसे दरख्त आपको नज़र आएंगे, अब ये दरख्त किसने बनाए, किसने उगाए, खुदा ने उगाए, दरख्त कुदरती है, दरख्त हम बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। पहाड़ किसने बनाए, ये भी कुदरती है, ये भी अल्लाह ने बनाए। जैसे घास नज़र आती है हमको खेतों में, ये भी कैसी है, कुदरती है। फिर इंसान ने क्या बनाया, तो जो चीज़ें कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल कर। अभी स्कूल किसने बनाया, स्कूल तो हमने बनाए, इंसान ने बनाया, यानी स्कूल क्या हुई, इंसान की तैयार करदा हुई, यानी मसनूई हुई। अब पानी तो कुदरती है, नदी कुदरती है, लेकिन पानी की टंकी जो हमारे स्कूल के ऊपर रखी हुई है ये किसने बनाया, इसको इंसान ने बनाया। ये पानी की टंकी कैसी है, इंसान की तैयार करता है। आपका घर मकान ये किसने बनाया, ये भी किसने बनाया, इंसान ने बनाया मकान घर। गाड़ियाँ किसने बनाया, इंसान ने बनाया। आपके हाथ में जो मोबाइल है उसको किसने बनाया, इंसान ने बनाया। ये आपको दर्जा बन, इसको आपको क्या करना है, दर्जाबंदी करना है। स्कूल से घर आते वक्त या घर से स्कूल जाते वक्त आपको जो जो चीज़ें नज़र आती हैं उन चीज़ों में इंसान की तैयार करदा और कुदरती बनाई हुई, कुदरत ने बनाई हुई, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग नाम लिखकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। यही एक्टिविटी आपकी आज की है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको लिखना है कि दरख्त के इस्तेमाल क्या हैं, दरख्त कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, लकड़ियाँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं,
या आपको इसके बारे में आपको कुछ जुमले लिखना है और इसको व्हाट्सएप में भेजना है। उसके साथ साथ मकान बनाने के लिए किन किन अशिया का इस्तेमाल किया जाता है, आपका जो घर बनाया गया है इस घर बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, जैसे लकड़ी, लोहा, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है लिखना है और इसको भी आपको एक्टिविटी में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको क्या करना है, और आज की एक्टिविटी ने दो दिन की एक्टिविटी है, पाँचवा और छठा दो एक्टिविटी ये बनाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि दरख्त की एक खूबसूरत तस्वीर बनाना है और तस्वीर बनाकर क्या करना है उसके हिस्सों के नाम लिखना है, जो दरख्त के हिस्से हैं अलग अलग मुख्तलिफ हिस्से हैं जिसको हमने पहले माहौलियात में पढ़ चुके हैं, उसको क्या करना है आपने सही सही उसके जो है हिस्सों के नाम लिखना है, उसको समझना है और ये सारी चीज़ें आपको खुद से करना है। और एक मैं बात बताते चलूँ कि इस कोर्स का मकसद ही यही है कि आपके अंदर तख्लीकी सलाहियत को पैदा करना। बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियत अगर पैदा होंगी और ख़ुद से अगर वो जस्तजू पैदा होंगी ढूंढने की तलाश करने की, तो वो बच्चे जो है उनका जहन ताज़ा हो जाएगा। वरना अगर आप दो तीन मिनट के ऐसे वीडियो अगर देखेंगे जहाँ पर आपको पहले से ही सवाल के जवाब दिखाए गए हैं, आप सीधा जवाब लिखेंगे तो हम आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होगी, बस वक्ती तौर पर आपको मार्क्स मिलेंगे लेकिन आपको वो जहन नशीन नहीं होगा। इसलिए अजीज़ तलबा मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आपने जो भी चीज़ करना है उसको पूरी तरह से समझ कर ही कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझता है तो अपने उस्ताद से, असातिज़ा से, माँ बाप से, अपने जो घर वाले सरपरस्त बड़े हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो सरगर्मी है, आपकी जो एक्टिविटी है, आप खुद से ही करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जो समझाना चाहता हूं आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।